वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा, अगर आपने उनके जवाब दे दिए तो ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने नहीं भी दिए तो थोड़ा बहुत लेक्चर समझ में आ जाएगा और इन दी एंड वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है कि सोशलाइजेशन क्या है और इंडिविजुअलाइजेशन क्या है, लास्ट में हम पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये आपने आप जो लैंग्वेज बोलते हो, जी ये मेरा आपसे सवाल है जो मेरा वीडियो सुन रहा है देख रहा है, कि आप जो लैंग्वेज बोलते हो सिंधी उर्दू अंग्रेज़ी, ये आपने कहाँ से सीखी। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जो बच्चा पैदा होता है वो तो माँ के पेट से पैदा होता है अंदर, लेकिन जब वो बाहर आता है तो चलना, कपड़े पहनना, कभी कभार गालियाँ देना, कोई ड्रग एडिक्ट बन जाना या बड़ों से मिलना, नमाज पढ़ना, ये सारी चीज़ें एक बच्चा कहाँ से सीखता है। हम जिस तरह से शादी में खुशियाँ करते हैं, किसी के मरने पर गम करते हैं, कोई बर्थडे आए तो वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, नमाज वगैरह कैसे अदा करते हैं, चोर को कैसे ट्रीट करते हैं, अच्छे इंसान को कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब कुछ हमने कहाँ से सीखा। ये सब कुछ हमने अपनी सोसाइटी से सीखा और इसी सीखने के अमल को कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जो हम एक बच्चा पैदा होने से पहले शुरू होता है, ज़्यादा उस टाइम एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब से वो पैदा होता है और उसके मरने के टाइम तक ये लर्निंग प्रोसेस उसका चलता रहता है। एक बच्चा आप और हम सीखते हैं कि बड़ों से कैसे मिलना है, छोटों से कैसे मिलना है, औरतों की इज्जत वगैरह कैसे करनी है, या अगर कोई ड्रग एडिक्ट भी बनता है, कोई प्रोस्टिट्यूट भी बनता है, तभी भी उसमें एक एक ख़ास किस्म की लर्निंग का असर होता है। तो उसी अमल को हम कहते हैं सोशलाइजेशन। ये तो हमने सोशलाइजेशन की बात कर ली, थोड़ा हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे वन बाय वन, लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन ये है कि जैसे जैसे बंदा सोसाइटी में लर्न करना शुरू करता है तो उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी होती है, जिसके पर देखें हम चार भाई हैं और हम चारों के चारों अलग तरीके से सोचते हैं। मेरा बड़ा भाई अपने हिसाब से सोचता है, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, मेरा जो छोटे भाई हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं। आपके भी जो भाई बहन होंगे उनकी भी एक थिंकिंग वगैरह अपने आप जैसी होगी, तो उसी को कहते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन, के सोसाइटी के रहते अंदर हर कोई बंदा सीखता तो है, लर्निंग तो करता है, लेकिन वो अपना एक इंडिविजुअल शेप भी क्रिएट करता है। अब जो इमरान खान की पर्सनालिटी है वो नवाज शरीफ की नहीं, और जो नवाज शरीफ की है वो जरदारी की नहीं, तो ये सोसाइटी से उन्होंने सीखा है और उन्होंने अपनी एक इंडिविजुअल शेप भी क्रिएट की है। देखिए आपने ये कहावत तो खूब सुनी होगी कि मैन इज़ सोशल एनिमल, इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, लेकिन सोशल के अलावा इंसान जो है एक कल्चरल एनिमल भी है। आप देखते हैं कि वेस्टर्न जो स्टाइल है कपड़े पहनने का एक मुस्लिम कंट्री से अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप बिकनी वगैरह पहन सकते हो, बीच वगैरह पे जा सकते हो, मिंगल कर सकते हो, विदाउट मैरिज आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर एक कल्चर अलग है। तो इसी चीज़ को जो ये जो लर्निंग है इसे हम सोशलाइजेशन करते हैं, जो हर कोई इंसान अपने अपने माशरे के हिसाब से सीखता है। एक हिंदू जो बंदा है वो अपने हिंदू कल्चर के हिसाब से सीखता है, एक मुस्लिम कल्चर अपने मुस्लिम कल्चर के सीखता है। आप मेरा जो वीडियो देख रहे हैं वो आप अपने ही कल्चर के हिसाब से सीखते हैं, कहीं पर भी मौजूद हो, किसी भी पाकिस्तान के कोने में मौजूद हो, इंडिया के कोने में मौजूद हो, आप अपने हिसाब से सीखते हैं। तो पहली पॉइंट है मैन इज़ नॉट ओनली सोशल बल कल्चरल बींग, जैसे मैंने कहा कि आप जो कपड़े पहनते हो ये आप अपने माशरे से सीखते हो। कल्चर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर मैन टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, जैसे मैंने कहा कि आपका जो कल्चर होता है
वही आपको आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। मेरा जो कल्चर है, मेरे कल्चर के अंदर मेरी लैंग्वेज, मेरी जो लैंग्वेज आ गई, मेरे जो उस्ताद आ गए, मेरे जो कपड़े आ गए, मेरा जो माहौल आ गया, मेरे जो एथिक्स आ गए, ये सारा कुछ मुझे डेवलप करेगा मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। एक एक वेस्टर्न पीपल की अलग पर्सनैलिटी होगी, एक अरब की अलग होगी, यहाँ के बंदे की अलग पर्सनैलिटी होगी, एक इंडिया वाले के बंदे की पर्सनैलिटी अलग होगी और अफगानिस्तान वाले बंदे की पर्सनैलिटी अलग होगी, क्योंकि वो वहीं से सीखता है। और ऐसी सीखने के प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन करते हैं, हम अपने कल्चर से सीखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ नॉट ऑटोमेटिक प्रोसेस। देखें, ये बस ये एक तरह से नहीं, बस होता रहता है। बास का हम बच्चों को सिखाते भी हैं। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो हम उसे कहते हैं कि जाके वो ट्रेनिंग हासिल करे। कोई बच्चा अगर माँ की पैट में वगैरह पे होता है, जब बाहर आता है तो माँ उसे कहती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। आपको भी अपने बड़ों ने कोई चीज़ें सिखाई होंगी, आपके टीचर्स वगैरह ने। तो ये एक एक अगर बास का तो माहौल में चलती हैं बातें, लेकिन इस तरह से कम्प्लीटली ऑटोमेटिक नहीं, ये एक डेवलप करना पड़ता है। सोशल ट्रेनिंग, आप सोशलाइजेशन को सोशल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, इज़ दैट इंडिविजुअल काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ये एक काइंड किस्म की ट्रेनिंग है, तो सोशलाइजेशन एक ट्रेनिंग है। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग ह्यूमन इन्फेंट इनटू अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन क्या है कि ये जो इंसान का जो बच्चा होता है, जो उसको एक सोसाइटी के मेंबर बनाती है। देखें, अगर मेरा छोटा बच्चा अभी दूध पीता है तो ये सोसाइटी में कैसे फिट होगा, सोसाइटी में कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा, ये सब कुछ वो सोशलाइजेशन से सीखेगा। दिस सोशलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अब जैसे मैंने शुरू में बार बार कहा, आप मुझे बताएं कि अमेरिकन सोसाइटी कैसी होगी, पाकिस्तानी सोसाइटी कैसी होगी, इंडियन सोसाइटी कैसी होगी। और सोशलाइजेशन जो है उसमें जो है कल्चर इन्वॉल्व होता है, हर कंट्री का अपना कल्चर होता है और सोशलाइजेशन में आ जाता है। चले जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है, ह्यूमन इन्फेंट कम्स इन टू द वर्ल्ड एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स विद एनिमल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तो नाम्स, वैल्यू, उठने का, बैठने का, सलाम करने का, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, किस तरह खाना है, क्या पहनना है, क्या क्या पहनने की क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें तो उसे पता नहीं होता। छोटा बच्चा होता, कपड़े नहीं भी पहना होता तो उसे कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप और हम बड़े हैं, अगर हम और आप कपड़ों के बगैर हो जाए, आप पीके का फिल्म मिसाल देख लें, जब वो बाहर की दुनिया से अंदर आता है तो उसकी सोशलाइजेशन यहाँ होती है। तो यहाँ के हिसाब से वह पहले उसकी जब ट्रेनिंग होती है तो वो कपड़े किस तरह के पहनता, जो होते आते हैं, लेकिन बाद में सीखता है कि रात के टाइम के अलग है, दिन के टाइम के अलग है, औरतों के अलग है, मर्दों के अलग है। तो पहले तो वो नंगा पंगा होता है। तो इस तरह से ये होता है, बच्चे भी ऐसे कहते हैं, ही इज़ ग्रेजुअली मोल्डेड इनटू सोशल बीइंग। तो आस्ते आस्ते उसको पता चलता है कि कपड़े का क्या है, शर्म क्या है। अब पहले बच्चे गैस वगैरह का निकाल दे लेते हैं, लेकिन आस्ते आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास होता है कि जब वो ये आवाज़ वगैरह करते हैं तो वो ख़ुद भी शर्माते हैं। जैसे मेरा छोटा बच्चा है, पहले डुडुम डुडुम करता था, लेकिन अब के टाइम वो थोड़ा करता है तो वो शर्माता है। द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग एंड शेपिंग पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन इफेक्ट इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। इन्फेंट नहीं होना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि ये जो इसमें बड़े भी शामिल हो जाते हैं, तो छोटे बड़े जिनकी भी जो ट्रेनिंग होती है, ये हमारा सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप पेपर में किसी आप अपने से लिखेंगे तो शायद एग्जामिनर आपसे इंस्पायर नहीं होता। वो कहता है कि इस बंदे ने तो रिसर्च नहीं की। रिसर्च के लिए वो यही कहता है कि क्या इस बंदे ने किसी का रेफरेंस वगैरह दिया है। तो अगर आप रेफरेंस से देंगे तो वो कहेगा कि इसने मेहनत वगैरह करके, अच्छे से पढ़ाई करके ये चीज़ पेश की है। तो आप अगर डेफिनेशंस लिखेंगे और ये किसने दिए तो ये बेहतर होगा। अब आप WH Ogborn, ये बंदे का बड़ा डिफ़िकल्ट नाम है। WH Ogborn कहते हैं, सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म द नॉर्म्स ऑफ ग्रुप। देखें, आपके सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी आपका कल्चर, आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज़, आपके आदाब वगैरह मौजूद होता है। जब सोशलाइजेशन होती है तो आप उसे फॉलो करते हो। अगर आप फॉलो नहीं कर देंगे तो ये पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होगी। देखिए, नॉर्म क्या है कि आपने किसी को गाली नहीं देनी। अगर आपने किसी को गाली दी तो ये पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। सोसाइटी का नॉर्म क्या है कि आपने किसी को मारना नहीं, कत्ल नहीं करना, तो ये आप उसको कन्फर्म कर रहे हो। एक मिनट जी, शोर शराबा होगा, मेरे पास कोई प्लेस नहीं कि मैं अपनी नॉलेज आपसे शेयर करूँ।
तो जो है इसी में प्लीज़ एडजस्ट करें, आपका शुक्रिया। तो हम बात करें तो सोसाइटी के अंदर तो कल्चर वगैरह मौजूद होता है। ऑगबन कहते हैं कि सोशलाइजेशन हुए थे कि जब वो इंडिविजुअल उसको मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो उन चीज़ों को, उन कल्चर को, उन वैल्यूज़ को मानने को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। बोगार्डस ने कहा है सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर। सोशलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर आर डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बींग गाइडेड बाई वेलफेयर नीड्स ऑफ अदर्स। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसपे हम मिलके काम करते हैं। जैसे मैं और मेरा बेटा है तो मिलके काम नहीं करते क्या? आप अपने उस्ताद के साथ, आपके भी कोई टीचर वगैरह होंगे जिससे आप मिलके काम करते हैं तो, और इकट्ठे काम करते हैं। तो ये जो मिलके इकट्ठे काम करते हैं एक दूसरे की भलाई भी होती है। जैसे मैं और मेरे बेटा है तो हम साथ में काम करते हैं तो उसकी भी लर्निंग वगैरह होती है, और मेरे हिसाब से मेरा भी फ़ायदा हो रहा है कि उसकी नशोनुमा बेहतर हो रही है। ग्रीन ने कहा सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच चाइल्ड एक्वायर द कल्चरल कंटेंट अलॉन्ग विद सेल्फहुड एंड पर्सनैलिटी। मिस्टर ग्रीन ने जो कहा है सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच चाइल्ड एक्वायर कल्चरल कंटेंट अलॉन्ग विद सेल्फहुड एंड पर्सनैलिटी। अब बच्चे को जो कल्चर मिलता है कहाँ मिलता है? इसी मुआशरे से मिलता है। बच्चे को जो कॉन्टेंट, आप जब आपकी जो होगा ना, आपने एक ख़ास किस्म के कपड़े पहने, आप एक ख़ास किस्म की ज़बान बोलते हो, आपके यहाँ बड़ों को कैसे ट्रीट किया जाता है ये आपने सीखा, तो ये आपने जो सेल्फ हुड क्रिएट किया, अपनी एक इमेज क्रिएट की है, और जो कंटेंट आपने हासिल किया है ये आपने सोसाइटी से हासिल किया है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। देखिए सोशलाइजेशन तो बच्चा जब पैट में होता है वहीं से ही कुछ ना कुछ जो चीज़ें वो लर्न करना शुरू कर देता है, लेकिन जो डायरेक्ट सोशलाइजेशन होती है तो बच्चा जब पैदा होता है, माहौल में आता है, इंडायरेक्ट करता है, लोगों से मिलता है, तभी होती है। तो सोशलाइजेशन जो हमने शुरू में पढ़ा कि एक लर्निंग प्रोसेस है, वो उसमें नॉर्म सीखता है, उसमें आइडियल सीखता है, हैबिट सीखता है, बिहेवियर, कस्टम्स, वैल्यूज़, ये सारा कुछ वो अपने मुआशरे से सीखता है, और ज़्यादातर वो जो असर लेता है वो अपने फैमिली से और अपने मदर से देखता है। तभी हम जब कोई बच्चे की लैंग्वेज जो बोलता है तो उसे हम मदर टंग कहते हैं, फादर टंग नहीं कहते, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा माँ के साथ होता है, वहीं से सीखता है, तो हम उसे मदर टंग के हिसाब से एतबार से बोलते हैं। अब जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर फैक्टर्स टू डिटरमाइन सोशलाइजेशन, कि आप अगर मुझे सोशलाइजेशन करनी है, अगर आपके बच्चे को सोशलाइजेशन करनी है तो वो किन वे से करेगा? एक इमिटेशन, इमिटेशन मीन्स दूसरों को देख के वो नकल करने को इमिटेशन कहते हैं। अगर देखें मेरी बहन उमरे पे गई है तो उसकी छोटी बेटी है 1.5 साल की, अब वो सजदा कर रही है तो वो भी सजदा कर रही है, तो ये क्या हो गया? इमिटेशन, नकल करना। तो आप भी देखते हैं कि बड़े जैसे अगर कोई एक फादर छड़ी लेकर चलता है तो बच्चे भी ऐसे छड़ी लेकर चलते हैं, तो ये उसकी इमिटेशन होगी। इमिटेशन मीन्स नकल करना, तो वो नकल नहीं जो हम एग्ज़ाम में करते हैं, ये नकल कि जब देखते हैं कि ये किस तरह कर रहा है मैं भी वैसे करूं। सजेशन, देखें सजेस्ट हर सिचुएशन आपको सजेस्ट करती है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, तो इसको हम सजेशन कहते हैं कि जब आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में ये आपको देखिए, अगर कोई बड़ा आ जाए तो आपको उठना है। आपने एक दफ़ा देखा कि आपके जो पप्पा का कोई बड़ा आ गया तो आपके पप्पा मम्मा दोनों उठ गए, तो दूसरे दिन आपने देखा कि आपके अम्मी के लोग बड़े आ गए, तो आपको सजेस्ट किया करा एक माइंड कि अब्बू के बड़े आ गए थे तो मैं उठा था, अम्मी के बड़े आ गए हैं तो मुझे भी उससे उठ के मिलना चाहिए, तो उनसे उठने पहले बच्चा उठ जाएगा। तो ये सजेशन होगा, माहौल आपको सजेस्ट करता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो ये जैसे क्लास में पहली दफ़ा टीचर बच्चा देखता है कि जब टीचर आ जाए तो बच्चे खड़े हो जाते हैं इज्जत में, ठीक है ना? पास्ट में होता था, अब होता है, अब नहीं होता, ये नहीं पता, लेकिन एक सजेस्ट हो गया कि जब भी कभी भी कहीं भी कोई टीचर आ जाएगा तो ये बंदा उसकी इज्जत में उठ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचानना, तो बच्चा जो है अपने मुआशरे के प्रोसेस में आइडेंटिफाई करता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना है, किस तरह करना है, अपना रोल आइडेंटिफाई करता है कि अगर कोई बड़ा आ जाए तो उससे कैसे रिएक्ट करना है, आइडेंटिफाई कर लिया, और जो अगर छोटा है तो देखें ना, अगर मुझसे कोई बड़ा आ जाएगा तो मेरी लैंग्वेज, मेरी बात करने का तरीका अलग होगा, अगर मुझसे कोई छोटा होगा तो मेरी बात, मेरी लैंग्वेज करने का कुछ तरीका अलग होगा, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो ये लैंग्वेज भी एक फैक्टर है जहाँ से हम सोशलाइजेशन करते हैं।
अब हम बात करते हैं इमिटेशन की। इमिटेशन इज़ कॉपिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एक्शंस ऑफ अनदर। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इमिटेशन, जैसे कोई अगर वालिद साहब है वो ग्लासेस पहनता है, छड़ी लेता है, तो बच्चे उसकी इमिटेशन करते हैं, उसकी नकल करते हैं, तो ये एक तरह से इमिटेशन है। इमिटेशन इज़ मे बी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। देखें, कभी आप गौर से देखते हैं तो ये कॉन्शियस हो जाएगा, अगर आप गौर वगैरह से नहीं देखते तो ये कॉन्शियस हो जाएगा, अज़ खुद भी हो जाता है, डेलिब्रेट भी हो जाता है। तो इमिटेशन आपकी ये है, ठीक है ना। सजेशन देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप माहौल से सीखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन विच हैज़ नो लॉजिकल सेल्फ एविडेंट बेसिक कन्वर्ट थ्रू लैंग्वेज पिक्चर सम सिमिलर मीडियम। सजेस्ट करना, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ अल्फाज होते हैं, कुछ सजेस्ट करते हैं, आपने इमोजीज देखे हैं खुशी के, गम के, तो इस तरह से वो आपको सजेस्ट करते हैं, ये भी आपने माहौल से सीखना है। तो कुछ चीज़ें सजेस्ट करती हैं, जैसे कोई टॉयलेट हो अगर वहाँ पर फ्रॉक वाला हो तो क्या चीज़ सजेस्ट करिए कि ये जो टॉयलेट है ये फीमेल का है, अगर कोई पैंट शर्ट टाइप होगा तो ये चीज़ सजेस्ट करेगी ये मेल का टॉयलेट रूम है, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन, मैंने शुरू में कहा द चाइल्ड के नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, मोस्ट ऑफ एक्शंस आर रैंडम। जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी नीड्स वगैरह को आइडेंटिफाई करता है, ही ग्रेजुअली आइडेंटिफाई व्हाट ही नीड्स फॉर हैप्पी लाइफ। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक बंदा आहिस्ता आहिस्ता अपने माहौल को आइडेंटिफाई करता है कि उसकी बेहतरी के लिए क्या अच्छा वगैरह है। तो आइडेंटिफिकेशन करना कि आप अपने आप से पूछो कि आपके लिए बेहतर क्या, क्या चीज़ें आपको करनी है क्या नहीं करनी। लैंग्वेज भी एक मीडियम है, जैसे सोशल इंटरकोर्स, एक दूसरे हम जब बात करते हैं तो लैंग्वेज से करते हैं, हमारी कल्चरल ट्रांसमिशन से भी लैंग्वेज होती है। अगर मैं अजान से बात करूँ मेरे बेटे से तो बात के थ्रू से समझा रहा हूँ, मुझे किसने समझा, मेरे वाले साहब ने, उनको किसने समझा, उनके वाले साहब ने, आपको भी आपके टीचर वगैरह अपनी लैंग्वेज से समझाते हैं कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये कपड़े पहनो, ये ना पहनो। तो ये शुरू से होता है। एज अ फर्स्ट चाइल्ड हैड सम मॉडर्न, जो हम कहते हैं तो उसे हम कहते हैं कि उसने मदर टंग बात की। लैंग्वेज मोल्ड्स अ पर्सनालिटी इंडिविजुअल फ्रॉम इन्फेंसी। तो शुरू से ही जो बंदे की लैंग्वेज होती है वो वहीं से सीखता है। अब ये तो हमने बात की कि सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन वो लर्न करेगा कहाँ से। जैसे अभी आप जो लर्निंग करें एक वीडियो के थ्रू करें, मेरा लेक्चर के थ्रू करें, लेकिन जो सोशल लर्निंग होती है वो हम कहाँ से करते हैं। बिल्कुल आसान, ये आप कुछ याद कर लें। एक होते हैं फैमिली, आसान, मेरा जो छोटा बेटा वो कहाँ से सीख रहा है, मुझसे सीख रहा है, मेरी अपनी वाइफ से सीख रहा है, मेरी अम्मी से सीख रहा है, मेरे अब्बू से, मेरे भाई बहन से, तो फैमिली से सारी चीज़ें, अल्फाज, खेलना, तोड़ना, चिल्लाना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें वो हमारी फैमिली से सीखा। जब वो स्कूल जाएगा, जैसे मेरे छोटे भाई का बेटा स्कूल जाता है तो वो वहाँ से ABC वगैरह सीख रहा है। स्कूल के बाद वो टीचर से सीखता है, लेकिन उसके बाद उसके फ्रेंड्स भी होते हैं, स्कूल के अंदर होंगे, बाहर होंगे। तो जैसे कल मेरे छोटे भाई का बेटा यहाँ पे बहुत फटाके जला रहा था, तो ये आपस में देखे, जब देखा कि बाहर कोई फटाके जला रहा है तो उसने भी आके ये डिमांड किया कि मुझे फटाके। और जब हम चर्च में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जैसे सजदा करते हैं, कोई मंदिर में रस्मात अदा करते हैं, तो ये सब भी हम अपने वहाँ, और स्टेट रियासत जो आपकी होती है, जो आपको ओवरऑल बाहर कोई पुलिस वाला खड़ा है, जज, कोर्ट वगैरह, तो वहाँ से भी आप सीखते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। तो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर आपकी फैमिली आ गई, स्कूल आ गया, प्लेमेट्स आ गए, चर्च, स्टेट, ये सारे लोग इसमें आ गए। इंडिविजुअलाइजेशन की अगर हम बात करें, हमारा न्यू टॉपिक है कि इंडिविजुअलाइजेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मैन कम्स टू नो हिमसेल्फ एंड एक्वायर द सेंस ऑफ इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी आपका एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, आपको पता है कि आपकी फैमिली के अंदर एज इंडिविजुअल आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके आप अपने आप को किस तरह से देखते हो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वंस ओन सेल्फ, कि अपने आप मीन्स आप सोसाइटी के रहते आप अपनी इज्जत, आप अपनी पोजीशन वगैरह बनाते हो। व्हेन मैन डज नॉट थिंक, यहाँ पे डू नॉट होगा, मैन डू नॉट थिंक सिंपली बिकॉज ऑफ द अदर्स डू सेम फीलिंग्स बिकॉज इज ओन सेल्फ अप्रूव इट। देखिए, आप जिस तरह सोच रहे हो वो मैं अपने हिसाब से तो नहीं सोचता, जैसा मैं सोच रहा हूँ तो मेरी वाइफ तो उस हिसाब से नहीं सोचती, तो ये इंडिविजुअलाइजेशन है, ठीक है ना। ही इज़ कैरीड बाय हिज ओन इंडिविजुअलिटी विच इज़ क्वालिटी टू हिम।
सोशलाइजेशन ब्रिंग्स मैन इनटू रिलेशन विद अदर्स बट इंडिविजुअलिज्म मेक्स हिम ऑटोनोमस और सेल्फ डिटरमाइनिंग। वही बात शुरू वाली आखिर में आ रही है कि जब कोई इंडिविजुअलाइजेशन करता है तो सोसाइटी के अंदर रहते हुए वो अपनी सोच भी क्रिएट करता है, अपनी इज्जत भी क्रिएट करता है। मैंने जैसे चार भाई के अपने बताए, हम चारों भाई अपने हिसाब से सोचते हैं करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन इज कैरी नॉट ओनली बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ बट आल्सो बाय सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर भी हर कोई अपने हिसाब से ये चीज़ करता रहता है। अब एस्पेक्ट ऑफ सोशलाइजेशन में जैसे कार्ल मैनहेम ने कहा हैज़ डिस्टिंग्विश्ड फोर मेन एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है ना। इंडिविजुअलाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, इंडिविजुअलाइजेशन जब तो होती है तो हर कोई अपने हिसाब से सीखता है, अपनी सेटिंग अपने एनवायरनमेंट में सीखता है। अगर मैं अलग हूँ तो मेरी जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो अलग है। इंडिविजुअलाइजेशन न्यू फॉर्म्स फॉर सेल्फ रिगार्डिंग एटीट्यूड, जब इंडिविजुअलाइजेशन बनती है तो आपके जो एटीट्यूड वगैरह हैं वो अपने हिसाब से बनते हैं। और इंडिविजुअलाइजेशन थ्रू ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होती है, और इंडिविजुअल डिपेंडिंग अपॉन आवर सेल्फ। देखिए हम डिपेंड करते हैं कि हमें किस तरह से इंडिविजुअलाइजेशन वगैरह करनी है। आगे चलते हैं यहाँ पर। ये अब हमने बात करनी है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये आप टॉपिक देख सकते हैं कि पर्सनल इंसान के डिसऑर्गेनाइज होना या बेहतर होना। डिसऑर्गेनाइज मीन्स बेहतर ना होना। तो आपने कभी, मैं आपसे ये नवा न्यू टॉपिक है तो मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगा। क्या आपने देखा कि मुआशरे के अंदर कोई लोग ड्रग यूज़ करते हैं, शराब पीते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, सेक्स वर्कर बन जाते हैं, किसी को मार देते हैं? तो ये जो है ये पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अगर तो सोसाइटी के अंदर कोई चीज़ें अच्छी कर रहा है, बेहतर कर रहा है, सोसाइटी के लोग उसे ज़्यादातर मान रहे हैं, तो ये आपकी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन होगी। अगर आप सोसाइटी के अंदर बैठ के अगर ये चीज़ें आप नहीं मानते तो ये आपकी पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल व्हिच डिविएट फ्रॉम सोशल नॉर्म। अभी आप अगर भाई हैं, अब अगर आपकी कोई औलाद हो तो क्या आप चाहोगे कि आपकी औलाद गंदे कामों में पड़ जाए, किसी का कत्ल करे, किसी को मार दे? तो ये डिविएट हो जाएगा। एनी वेरियस बिहेवियर व्हिच डिस्टर्ब द इंटीग्रेशन ऑफ एटीट्यूड सिस्टम विद इन पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट कॉल्ड पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। एनी वेरियस बिहेवियर विच डिस्टर्ब द इंटीग्रेशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ सिस्टम विद इन द पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट। देखें ना, अगर आपके अंदर कोई ऐसे एटीट्यूड आ जाते हैं जो कि आपके, जैसे मेरे एक अंकल हैं, आए दिन रोज़ मीन्स ड्रग यूज़ करते हैं, तो ना सिर्फ उनकी अपना सिस्टम ख़राब हो चुका है लेकिन उन्होंने अपने घर का माहौल भी ख़राब कर दिया। आए दिन झगड़ा, सामान लेना, सेल करना, तो इस तरह से ये एक सोसाइटी के अंदर पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि ये सोसाइटी में फिट नहीं हो रहा है। सोसाइटी का तो काम है ना बेहतर हो। इट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज़ आउट ऑफ एडजस्टमेंट विद इन सोसाइटी हु फेल टू ऑर्गेनाइज द चीफ गोल्स ऑफ लाइफ। अब जब वो पैदा हुआ तो उसके चीफ गोल ये तो नहीं थे कि वो बस नशा करे, घर का सामान सेल करे, जो भी आए सारा कुछ तबाह करे। गोल क्या था कि एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, अपने आप को बेहतर बने। उस ड्रग के यूज़ के बाद तो ना तो वो सोसाइटी तो दूर की बात, लेकिन वो तो अपने लिए एक तरह से अपना अजाब अपनी वो बन चुके हैं। तो ये एक पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे लिए सेकंड लास्ट स्लाइड है, इट मे बी वाइल्ड और वायलेंट। देखें बाज़कात किसी को गाली देना ये भी एक पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो इतनी नहीं बड़ी एज़ कम्पेयर टू किसी का खून कर देना। तो जब आप डिविएट हो जाते हो तो कम भी होते हो, ज़्यादा भी। तो वैन द पार्ट्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डू नॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस एफिशिएंटली इफेक्टिवली आर परफॉर्म दे बैडली देयर अकर्स इम्बैलेंस इन सोसाइटी। अगर सोसाइटी के अंदर खून रह जाए, कत्ल गारत हो जाए, तो ये एक मसला क्रिएट हो जाएगा। सोशल इक्विलिब्रियम इज़ डिस्टर्ब्ड एंड सोसाइटी गेट्स आउट ऑफ द गियर बिकॉज ऑफ द पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। देखें जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप सोसाइटी के गोल्स को मीट नहीं करते और सोसाइटी के अंदर जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं होता, तो डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। अब ये किस तरह होती है, जब कोई शराब पीता है, जब कोई क्रिमिनल बन जाता है, जब कोई प्रोस्टिट्यूट मीन सेक्स वर्कर जो होते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट बन जाता है, ये मेंटली नॉर्मल नहीं होते और इसलिए वो सोशली
एबनॉर्मल होते हैं और इसी अमल को कहते हैं सोशली ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि सोशलाइजेशन क्या है? अगर आप बता सकते हैं तो नीचे बता दें कि सोशलाइजेशन क्या है। अगर आप ये बता सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है तो वो भी नीचे मुझे कमेंट में बता दें। अगर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच। आपको किस वीडियो पर लेक्चर वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपको बना के दे दूँगा। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शोर शराबा था क्योंकि मेरे पास माहौल वगैरह नहीं है, तो उसके लिए माजरत।